मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के ये वीडियो में हम आने वाले वक्त में ऐसे कौन से जातक है, ऐसी कौन सी राशियां है जिस पे कानूनी कार्यवाही या इनकम टैक्स की वजह से प्रॉब्लम होगा, ये समझाने का प्रयत्न किया है। हम सब जानते हैं कि आज के वक्त का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द कंट्री, वो है काला धन। काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक, इनकम टैक्स। तो ये जो टॉपिक्स है, आने वाले वक्त में कौन से ऐसे जातक है या कौन सी ऐसी राशियां है जो इससे दुष्प्रभावित होगी, यानी उनके सामने इनकम टैक्स की ओर से स्क्रूटनी आ सकती है या कानूनी कार्यवाही हो सकती है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो पूरा मामला है उसको हम ज्योतिष की दृष्टि से समझने का प्रयत्न करेंगे। गोचर में जो ग्रह घूम रहे हैं, जैसे कि राहु जो है वो सिंह राशि में घूम रहा है, शनि अभी वृश्चिक में है और 26 जनवरी से वो आएगा धनु राशि में, तो ज्यादा तौर पे जो भी प्रश्न उपस्थित होते हैं जीवन में, चाहे कानूनी हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, कोई भी, उसमें शनि और राहु का महत्व ज्यादा है। साथ में जब भी कोई कानूनी प्रश्न या गवर्नमेंट की ओर से प्रश्न आता है तो उसमें सूर्य की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी राशि वाले जातक जो है उनको ध्यान रखना है या उनको प्रश्न हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे वृषभ राशि या वृषभ लग्न वाले जातक। हम जानते हैं कि वृषभ राशि जो है उससे राहु का भ्रमण पांचवें चतुर्थ भाव में हो रहा है। देखिए, राहु का भ्रमण जो है वो कुंडली में चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और बारहवें भाव में बहुत ही नेगेटिव माना गया है। उसका दुष्प्रभाव बहुत ही खराब तौर पे यहाँ पे मिलता है। तो जिन जातक की वृषभ राशि है या वृषभ लग्न है, ऐसे जातक को भी प्रश्न उपस्थित होने के चांसेस ज्यादा है। साथ में और एक बात बता दूं, 26 जनवरी के बाद शनि जो है वो धनु राशि में यहाँ पे भ्रमण करेंगे, उसके बाद उनकी दिक्कत जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो वृषभ राशि वाले जो जातक है या वृषभ लग्न वाले जो जातक है, वृषभ लग्न यानी यहाँ पे जिनकी कुंडली में दो नंबर है या जिनकी वृषभ राशि है, ब व उ पे जिनका नाम है, उनको प्रश्न हो सकते हैं, उनको ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं कन्या राशि। तो देखिए, कन्या राशि या कन्या लग्न वाले जातक जिनका नाम प ठ ण पे है या जिनके यहाँ पे 6 नंबर है, उनका कन्या लग्न गिना जाएगा। तो ऐसे कन्या लग्न में राहु का भ्रमण जो हो रहा है वो 12वें भाव में हो रहा है। तो देखिए, 12वां भाव बंधन का है, व्यय का है, खर्च का है, लिटिगेशन का है। तो ऐसे जातक को इनकम टैक्स या गवर्नमेंट की ओर से ज्यादा प्रश्न उपस्थित होंगे, ये बाय तय है। मेरे ख्याल से उनको ऑलरेडी जनवरी 2016 से प्रॉब्लम तो शुरू हो ही गए होंगे, लेकिन आने वाले वक्त में 26 जनवरी से लेके अगस्त 2017, यानी 26 जनवरी 2017 से लेके अगस्त 2017 तक कन्या राशि या कन्या लग्न वाले जातक जो है उनको बहुत ही प्रश्न होंगे या गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम हो सकते हैं, इनकम टैक्स की वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये उनको थोड़ा ध्यान रखना होगा। आगे देखें मकर राशि। तो देखिए, मकर राशि यानी ख ज पे जिनका नाम है या मकर लग्न यानी कुंडली में अगर यहाँ पे 10 नंबर है तो उनकी कुंडली में राहु का भ्रमण जो है वो 8वें भाव में हो रहा है। मैंने पहले ही बताया, राहु का भ्रमण जब चतुर्थ भाव, अष्टम भाव या 12वें भाव में होता है तो वो दिक्कत देता है, परेशानियां देता है। तो मकर राशि वाले जो जातक है उनको भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। साथ में ही 26 जनवरी के बाद धनु राशि में जो शनि आए मारा जाएंगे वो उनकी कुंडली में ये 12वें भाव में भ्रमण करेंगे, तो यानी 8वें भाव में राहु और 12वें भाव में शनि, तो ये भी उनके लिए बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देंगे। साथ में ही मकर राशि वाले जातक की 7.5 शुरू होगी 26 जनवरी 2017 से। तो 26 जनवरी 2017 से लेके अगस्त 2017 का वक्त जो मकर राशि के लिए है वो नेगेटिव रहेगा। गवर्नमेंट की ओर से उनको प्रॉब्लम हो सकते हैं या टैक्स चोरी या काले धन की वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं, बंधन, खर्च, व्यय, लिटिगेशन, ये सब होने की संभावना ज्यादा रहेगी। आगे हम देखें
जिनका जन्म 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर में हुआ है, तो उनकी कुंडली, यानी साल कोई भी हो लेकिन जिनका जन्म 16 अगस्त से 16 सितंबर में हुआ है, उनकी कुंडली में जो सूर्य होगा वो सिंह राशि का होगा। और हम जानते हैं कि राहु महाराज जो है जनवरी 2017 से जनवरी 2016 से राहु में भ्रमण कर रहे हैं सिंह राशि में, और अभी अगस्त 2017 तक चलेंगे। तो ये तारीख के बीच में जन्मे हुए जातक जो है उनको भी गवर्नमेंट की ओर से टैक्स यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से प्रॉब्लम आएंगे, या समझिए कि भाई स्क्रूटिनी आ सकती है, ये पूरे चांसेस रहेंगे। क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, उसपे से जब राहु का भ्रमण होता है तो इंसान जो है वो ऐसे गलत काम करता है, यानी गवर्नमेंट से टैक्स बचाता है या कुछ भी, जिसकी वजह से वो फंस सकता है, यानी उनपे लिटिगेशन आरोप ये सब आएंगे। तो ये तारीख वाले जातक जो है उन्हें भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। आगे देखें, जिनका जन्म 15 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में हुआ है, तो उनकी कुंडली में जो सूर्य होगा वो धनु राशि का होगा। और मैंने पहले ही बताया कि 26 जनवरी 2017 से शनि महाराज जो है वो धनु राशि में भ्रमण करेंगे। तो देखिए, सूर्य और शनि जो है वो दोनों शत्रु है, तो जिनकी कुंडली में धनु का सूर्य है, यानी 15 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में जन्म है, उनकी कुंडली में सूर्य पेश शनि का भ्रमण जो है वो गवर्नमेंट की ओर से, सरकार की ओर से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कोई भी गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से प्रॉब्लम आएगा, या केस हो सकते हैं उनपे, कोर्ट मैटर चल सकती है, या फिर लिटिगेशन आ सकता है, टैक्स चोरी की वजह से भी या काले धन की वजह से भी वो परेशानी में आ सकते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ कि शनि जो है वो दंडदायक है, यानी सूर्य शनि दोनों पिता पुत्र होने के बावजूद भी दोनों शत्रु है। तो ये जो जातक है जिनका जन्म 15 दिसंबर से लेके 14 जनवरी के बीच में हुआ है, वो भी ये टाइम में, यानी 26 जनवरी 2017 से लेके अगस्त 2017 के बीच में प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, कानूनी कार्यवाही उन पे हो सकती है। देखिए, यहाँ पे मैंने एक छोटा प्रयत्न किया है कि एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लेनेटरी पोजीशन बन रही है आने वाले वक्त में, वो कौन से जातक जो है वो ज्यादा उनसे डिस्टर्ब होंगे गवर्नमेंट की ओर से, वो बताने का एक छोटा प्रयत्न किया है। जो भी जातक ये दायरे में आते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये जो मैंने नेगेटिविटी बताई है उसकी होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। आशा रखता हूं कि ये जो वीडियो है आपको गोचर के ग्रहों की जो असर है उसके बारे में थोड़ा जानने में आपको मदद करेगा। साथ में ही जो जातक ये राशि या लग्न वाले हैं या मैंने जो तारीख बताई उसमें जन्मे हुए हैं उन्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा। धन्यवाद।